नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। ये हमारे किसान, प्रगतिशील किसान जोनी ग्राम गढ़ी, जिन्होंने 8 फीट पर गन्ने की बुआई की है और इसमें ये जो है साथ के साथ गेहूं की फसल लेंगे, तो इनका अनुभव हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार इसकी बुआई की है। इसमें इन्होंने एक साइड में 0238 वैरायटी और एक साइड इन्होंने 118 वैरायटी को लगाया है। वो इसलिए क्योंकि 0238 वैरायटी का प्रचलन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, पैदावार कम हो रही है, तो इसलिए इन्होंने 118 वैरायटी को भी लगाया है। यहाँ इन्होंने लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और खूड से खूड की दूरी जो है 2 फीट रखी हुई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये इसमें इसके साथ साथ क्या फसल लेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो ये हमारे कृषक जोनी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे आपने ये 8 फीट पर गन्ना बोया है, तो आप इसमें किस लिए आपने 8 फीट पर गन्ना लगाया है? मैंने इसलिए इस पर 8 फुट पर गन्ना लगाया है कि काफी दिनों से हमारा जो बॉन्ड है गन्ने का वो बहुत कम हो चुका है, तो हम सोचते हैं कि भाई दूसरी सहफसली खेती भी साथ में ली जाए, तो इसलिए से हमने अब प्रक्रिया चालू करी है कि 8 फीट पर गन्ना वो और बीच में इसके रूटावेटर 8 फीट का निकाल कर अब इसमें हमारी क्या प्रक्रिया है कि इसके साथ गेहूँ बोएंगे और गेहूँ बोने काटने के बाद फिर हम इसमें बैंगन और टमाटर उनकी फसल लेंगे, उसके बाद में उन्हें उजाड़ने के बाद में फिर दोबारे से गेहूँ की फसल लेंगे। हमारा गन्ना जो है बरकरार रहेगा और गन्ना 8 फुट से 8 फुट की दूरी पर है। जब भी हमारा गन्ना लगभग 60 क्विंटल बीघे का निकलेगा और गन्ने की मोटाई कम से कम 11 से 12 इंच मोटा गन्ना होगा, तो इसमें हमने 24 इंची पर गन्ना बोया है और हमारे सर खड़े हैं, इनसे पूरी वार्ता करिए आप। तो आपने 8 फीट पर गन्ना लगाया जी, इसमें आपने दो वैरायटी लगाई है, 118 और 0238। ये आपने दो वैरायटी किस लिए? दो वैरायटी हमने इसलिए लिए लगाई हैं कि 0238 जो गन्ना है ये कुछ दिनों का मेहमान है जी। हाँ, इसमें जैसे इंसान में कोरोना वायरस बढ़ गया, ऐसे इस गन्ने में भी कोरोना वायरस हो गया, तो ये खत्म होने की तादाद पे है, बहुत जल्दी इस गन्ने को खत्म हो जाएगा और 0118 गन्ना ये आएगा, चलेगा, अच्छी वैरायटी चलेगा गन्ना। रोग कम है, अच्छी वैरायटी है, रोग कम है, अच्छी वैरायटी है। और किसानों से सभी से अनुरोध है कि इस गन्ने को सभी किसान भाई बोएं और थोड़ा थोड़ा सभी बोले कि ताकि ये गन्ना मरने वाला है कि फिर एकदम से ऐसा नहीं होने का, जब भूख हड़ताल होगी, हो भूख हड़ताल हो जाओ बहुत जल्दी बीज नहीं मिलता, तो बीज नहीं मिलता, तो कुछ सभी किसानों को थोड़ा थोड़ा अपने दौरे उगा लेना चाहिए जरूर। तो आपने 8 फीट की दूरी की है, तो ये किस प्रकार आपने थोड़ा सा बताओगे इशारों से जी? हमने जो है ये 4 लाइन छोड़ दी है। अच्छा जी, 4 लाइन छोड़ दी है और 4 लाइन छोड़ने के बाद में जब 2 लाइन बोई है, तो दो लाइन दो लाइनों का हमें जो फायदा ये है कि ये दोनों लाइन जो है अपना आराम से बंध जाएंगी। अच्छा, हाँ, गिरने की नहीं है। 2 लाइन बोने के बाद में और फिर हम इस पे क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मट्टी जो है 6-6 इंच इधर से दोनों साइड से ऐसे चढ़ा दें। अच्छा, 2 लाइन बोने के बाद में आपने 4 लाइन और फिर 2 लाइन है, तो यानी कि आपका जो लेजर है वो 24 इंची का बना, तो 2 फीट की जो है लाइन से लाइन और खूड से खूड की दूरी आपकी होगी है 8 फीट। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, तो ये हमारे प्रकाश वीर जी हैं नंगला मल सुगर से। साहब आप कुछ? नमस्कार जी, ये हमारे जोनी भाई हैं पचगांव गढ़ी के, इन्होंने बहुत ही शौक से ये खेत बोया है गन्ने का और सभी को पता है कि ये 0238 जो है बीज, इसमें कीटाणु वो लग गए, काफी बीमारी लग चुकी है, रेड रोट की शिकायत आ रही है कहीं कहीं पे, तो उसी की वजह से ये इन्होंने 0118 का नया बीज जो है ये बोया है, ताकि आने वाले समय में बीज की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 38 ज्यादा समय नहीं चलेगा, इस वजह से सभी किसान भाई एक आने वाले समय में बीज की कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारे किसान थे और ये हमारे साहब थे कैन इंस्पेक्टर यहाँ नंगला मल सुगर कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 फुट की दूरी पर 2 खूड बोए हुए हैं, इसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये 4 खूड इन्होंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें आपका जो रूटर है
वो इसमें पूरा निकल जाएगा और साथ ही साथ इसमें अब ये गेहूं की फसल की स्विंग करेंगे, यानी कि गेहूं की फसल लेंगे, उसके बाद में बैंगन वैंगन की और वेजिटेबल की फसल लेंगे, और उसके बाद इन्होंने दो खूड इधर बो दिए हैं। तो इनकी एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छा प्रगतिशील किसान है, इन्होंने पहले भी ट्रंच का गन्ना लगाया हुआ है। तो आप भी इससे प्रेरित होइए और आने वाले समय में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ जय जवान जय किसान।